हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का प्रेम क्लासेस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मां नवरात्रि में आपके घर में विराज रही है, तो दोस्तों आज हम बात करते हैं मां दुर्गा के नौ रूपों के बारे में। बात कर रहे हैं हम पिछले तीन चार दिनों से लगातार, और आज हम बात करेंगे छठवां जो आपका नवरात्रि है वो है माँ कात्यायनी, राइट। उनके बारे में बात करेंगे, उनकी पूजा कैसे करें, उनकी कथा क्या है, उनका माँ कात्यायनी कैसे जन्म हुआ, माँ कात्यायनी का नाम कैसे हुआ, उनकी विधि क्या है, उनके मंत्र क्या है, और बहुत सारी चीजें महत्व क्या है और अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान लगाकर सुनिएगा। कहते हैं कि हम यदि पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते यदि श्रवण सुख भी हमें मिल रहा है, यदि हम सच्चे मन से सुन भी ले श्रद्धा पूर्वक, तो दोस्तों उसका भी फल कई कोटि गुना ज्यादा होता है। दोस्तों हम जान लेते हैं नवरात्र महापर्व के छठवें दिन माँ दुर्गा के सिद्ध स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता के प्रिय रंग पसंदीदा भोग और मंत्रों को जानना बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों माँ दुर्गा के नौ सिद्ध स्वरूपों में माता कात्यायनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। क्यों है इसका भी हम आगे जानेंगे कि किस वजह से माँ कात्यायनी को अन्य रूपों में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों कल हमने जाना था माँ स्कंद माता। स्कंद माता ने हमारे जो है हमारे वर्ल्ड हमारे विश्व के हैं, जो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, वो अपने संतानों को सुख देती रहती है, और जो निसंतान है उसकी झोली है वो औलादों से भर देती है, संतानों से भर देती है। दोस्तों उसी तरह है आज का जो शारदीय नवरात्रा है, छठवां है, शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस वर्ष मतलब 2024 में षष्ठी तिथि 7 अक्टूबर 2024 के दिन है, मतलब कल के दिन है। दोस्तों जो आज थी आपकी क्या स्कंद माता, वो कल यानी 8 तारीख को 8 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। आज स्कंद माता था, कल कात्यायनी माता आपके घर में विराजेगी। तो माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। मानस पुत्री, मानस पटल की, मस्तिष्क की, दिमागी पुत्री या मानस पुत्री माना जाता है। माता कात्यायनी का रूप अति सुंदर है, बहुत ही मन लुभावन है, और बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में इन्हें छठ मैया के नाम से भी जाना जाता है। छठ मैया कौन है? कात्यायनी माता है। उनके रूप में उनकी पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में प्रमुखता से की जाती है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की विधि विधान से भक्तों को विशेष लाभ होता है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो भक्तों का अवश्य लाभ की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है, पूजा की विधि क्या है, पूजा का मंत्र क्या है, महत्व क्या है, आरती क्या है और कथा क्या है। दोस्तों माँ कात्यायनी का पहले तो हम स्वरूप जानते हैं, क्योंकि जो स्वरूप हमारे मन में और मस्तिष्क में अंकित हो जाएगा तो माँ स्वतः हमारे मन और मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों हम माँ कात्यायनी की तो कर ही रहे हैं पूजा, लेकिन दोस्तों साथ ही हमें नारी जाति की भी हमें सम्मान करना है, उनका आदर करना है, उनके प्रति सद्भाव रखना है और भद्र भाषा का प्रयोग करना है। अभद्र नहीं, सभ्य भाषा, क्योंकि तभी है वो माँ कात्यायनी हो चाहे माँ स्कंद माता, तभी खुश हो पाएगी। दोस्तों उनको खुश करने का एक ही तरीका है, संपूर्ण नारी जाति चाहे माँ हो, बेटी हो, बहन हो। दोस्तों मैं हर वीडियो में बता रहा हूं आपको माता के हर रूप के पूजा पाठ के बारे में बता रहा हूं, लेकिन साथ में एक चीज अवश्य है कि जब तक हम नारी जाति का सम्मान नहीं करेंगे माँ खुश नहीं होगी। चाहे आप कितने ही प्रपंच कर लीजिए, कितने ही विधि विधान लगा लीजिए, लेकिन यदि आपने
किसी नारी जाति का दिल दुखाया, मन दुखाया, उनको परेशान किया, उनके साथ अभद्रता की है, तो भूल जाए कि माता आपसे प्रसन्न होगी। तो दोस्तों जान लेते हैं, पहले तो हर नारी जाति का हमें सम्मान करना, उसके बाद हम जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप है स्वर्ण के समान चमकीला है, चमचमाता, एकदम स्वर्ण आभा से मुखरित होता। उनकी चार भुजाएं हैं, कितनी है? चार भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में माने तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किया है। मां कहती है कि यदि मैं वरदान दे सकती हूं तो जरूरत पड़ने पर अपनी इस तलवार से दुष्टों का नाश भी कर सकती हूं। यह माता का है, माता के अलग अलग रूप इस रूप में दर्शाए गए हैं। मां की जो मुस्कान है वह बड़ी ही प्रिय है, मनमोहक है, मनभावन है। दोस्तों उनके हाथ में जो वर मुद्रा है वह कहती है कि मैं अभय मुद्रा वर मुद्रा कि मैं यदि आपके सारी इच्छाओं को मनसाओं को पूरी कर सकती हूं तो समय आने पर आपके दुष्टों को, मेरी जो संतानें हैं उनको सुख देने के लिए और दुख को मिटाने के लिए तलवार का भी उपयोग कर सकती हूं बिना कोई सोचे समझे। दोस्तों माता कात्यायनी के लिए कोई भी चीज अदेय नहीं है, कोई भी वरदान अदेय नहीं है। दोस्तों माता कात्यायनी को लाल रंग सबसे अधिक पसंद है। यदि आपने लाल रंग का प्रयोग किया पूजा पाठ में, पूजा विधान में, विधि विधान में, तो माता सबसे ज्यादा खुश होगी। लेकिन चीज एक का ध्यान रखें, नारी जाति का पहले सम्मान अपने मन और मस्तिष्क में रखें दोस्तों, तभी कात्यायनी माता खुश होगी। उसके बाद हम बात करते हैं माता कात्यायनी कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। किंवदंतियों के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या के बाद माता कात्यायनी ने उनकी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मां दुर्गा इन्हीं के रूप में महिषासुर का वध कर उसके आतंक से देव और मनुष्यों को मुक्त किया था। यह है महिषासुर का जो वध किया तो माता ने कात्यायनी का रूप धारण किया था। दोस्तों मां कात्यायनी की पूजा विधि क्या है यह जानना जरूरी है। मां कात्यायनी कैसे पूजा करें दोस्तों जान लेते हैं। नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद कलश पूजा करें और उसके बाद मां दुर्गा की और माता कात्यायनी की पूजा करें। मां दुर्गा की तो करनी है, जो प्रमुख है जिनके नवरात्र है उनके एक स्वरूप माता कात्यायनी की भी कल पूजा होगी। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां का स्मरण करने और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर करें। इसके बाद वह फूल मां को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें, क्योंकि मां सभी दुखों को दूर कर श्रृंगार प्रदान करती है, सौभाग्य प्रदान करती है और सौभाग्यशालिनियां बनाती है। दोस्तों इसके बाद उनके प्रिय भोग, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मां कात्यायनी का सर्वप्रिय भोग क्या है। दोस्तों वह भोग है शहद। मां कात्यायनी शहद से जितनी ज्यादा खुश और प्रसन्न होती है उतनी किसी भी भोग से नहीं होती। और सबसे ज्यादा कौन सा भोग प्रिय है? आपकी चिंताएं। आपने अपनी मां को, यदि मां कात्यायनी को चिंताएं अपनी समर्पित कर दी, अपने दुखों का रोना मां के आगे रो दिया और आपने कहा मां मैं ता जिंदगी भर नारी जाति का सम्मान करूंगा, तो यही भोग प्रमुख है, शायद नहीं हो चलेगा। लेकिन ये दोनों चीजें जरूर होनी चाहिए आपके मन और मस्तिष्क में। तो दोस्तों मां कात्यायनी के लिए कोई भी चीज अदेय नहीं है, ये जान लीजिएगा। माता जब खुश होती है तो सारा कुछ भंडारे खोल देती है, अपने सुख समृद्धि आठों सिद्धि नौ निधि के सारे भंडारे खुल जाते हैं। दोस्तों फिर है जल अर्पित करें और घी के दीपक जलाकर माता की आरती करें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कभी ना भूले। दोस्तों इन कौन से मंत्रों का जाप करना वो जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा है चंद्रहासो ज्वल करा साडुल्वरवाहन कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। दोस्तों इन मंत्रों का हमें जाप करना, लेकिन शुद्ध मन से करना और शुद्ध शब्दों से उच्चारण करना है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की उपासना है। हमें उसे यदि हमें संस्कृत में नहीं आता तो हम उसका हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हमने
शब्द शायद संस्कृत में पढ़ लिया तो उसका तो प्रभाव कहना क्या है। दोस्तों माता कात्यायनी की और भी खूबियां हैं, महत्व है, क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों माता कात्यायनी को प्रसन्न करने से क्या मिलता है और कैसे प्रसन्न करें, विधि क्या है, हम पुनः जान लेते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की माता की पूजा की जाती है। माता की पूजा से वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन आता है। जैसे संतुलित भोजन होता है, सारे जो पौष्टिक आहार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा है ना, ये सब मिलाने से तो क्या होता है, उसी तरह माँ को खुश करने के लिए हमें विधि विधान का करना पड़ेगा, जिससे कि माँ वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन लाती है। कहीं भी उबड़ खाबड़ नहीं होगा, कहीं भी लहरदार नहीं, संतुलन एकदम। दोस्तों ऐसे में हमें जानना है कि हम माँ की विधि विधान से पूजा कैसे करें। हमने जो पहले जाना वो सामान्य, अब हम सही विधि विधान से पूजा कैसे करें। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता दुर्गा ने कात्यायनी के रूप में महिषासुर का वध किया था। किसका? महिषासुर राक्षस का वध किया था। दोस्तों ये जो नवरात्र के दौरान मैं आपको नए नए वीडियो के माध्यम से माता के विभिन्न रूपों के बारे में बता रहा हूं, दोस्तों ये आपके जीके के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हमारे लोक देवी देवता या देवी देवता की प्रश्न आते हैं तो उसे पूछा जाता है कि महिषासुर मर्दिनी किसको कहा जाता है, कात्यायनी माँ को कहा जाता है, दुर्गा के इस स्वरूप को कहा जाता है। दोस्तों माता कात्यायनी अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए और किन मंत्रों का जप करके माता कात्यायनी को प्रसन्न किया जा सकता है, उन्हें अब हम विस्तार से जानेंगे। जो हमने पहले संक्षिप्त में जाना, अब उसकी पूरी विधि हम विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनना, सुनकर अमल करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सुन लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद कात्यायनी माता की मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल पर अर्पित करनी है, रखनी है। इसके बाद माता की पूजा शुरू करनी है और उन्हें ताजे गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं, गुड़हल लाल। और साथ ही जैसा मैंने बताया, माँ को शहद का भोग अति प्रिय है, वो लगाना है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दो मैंने चीजें बताई थी, वो ध्यान रखना, एक नारी जाति के सम्मान का संकल्प और दूसरा अपनी चिंताएं, अपने दुख माँ कात्यायनी को समर्पित करना। ये दो भोग प्रमुख है, ये हमें लगाने हैं। दोस्तों इसके अलावा हमें एक मंत्र का भी जाप करना, मैं पुनः बता देता हूं मंत्र कौन सा। या देवी शेर भूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को हमें ढंग से सही शब्द से है हमें उच्चारण करना है। इसके बाद दुर्गा सप्तशक्ति का पाठ करना है या फिर कम से कम 12वें अध्याय का पाठ तो जरूर करना ही है। इसके अलावा पूजा के अंत में आपको माता कात्यायनी की आरती करनी है। माता के प्रिय मंत्रों का जप पूजा के दौरान भी कर सकते हैं और दिन भर में जब भी आपको समय मिले तब भी आप माता के मंत्रों का जप मन ही मन कर सकते हैं। माता के कुछ प्रभावशाली मंत्र हमने दो तो जान लिए, तीसरा है ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः। दूसरा है कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये मां योगी ने धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु ते नमः। ये हमें मंत्रों का जाप करना है, जैसा मनोकामना मांगते हैं वैसा ही मंत्र हमें जप करना है। माता कात्यायनी की पूजा से क्या फल मिलते हैं वो भी जान लेते हैं। दोस्तों जो भी भक्त माता कात्यायनी की पूजा करते हैं उन्हें धन धान्य धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो कभी भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा और पुण्य के साथ चलता रहेगा और धर्म की हमेशा अडिग आस्था रखेगा। दोस्तों इसके साथ ही अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही है तो माता कात्यायनी की पूजा के बाद वो दूर हो जाएगी, ये विश्वास है। आप अपने सारे दुख माँ को समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, चाहे वो वैवाहिक हो चाहे पारिवारिक हो, माँ अपने आप सब देख लेती है। दोस्तों वही जो लोग अभी तक अविवाहित है और वो विवाहित होना चाहते हैं तो वो माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उन्हें योग्य वर और वधु की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों माता कात्यायनी भक्तों को जीवन में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने वाली मानी जाती है।
बाधाएं जितनी भी होती है उन सबको दूर करने में माता का अहम महत्व और भूमिका है। दोस्तों यदि हम नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करके जीवन में सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो माता की पूजा विधि विधान के साथ करनी है। दोस्तों माता कात्यायनी का स्वरूप हम एक बार पुनः जान लेते हैं और सबसे ज्यादा कहां पूजा पाठ होते हैं वो भी मान लेते हैं, जान लेते हैं। दोस्तों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में छठ मैया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये प्रमुख प्रश्न भी है, हजार बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है जीके में, हर एग्जाम में, कि छठ मैया के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है। कात्यायनी माँ प्रसिद्ध है और उनका प्रश्न आता ही है। दोस्तों अब हमें माँ कात्यायनी का एक बार स्वरूप विस्तार से जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और चार भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में तलवार, अभय मुद्रा और ये धारण कर रखे हैं। अभय मुद्रा है, वर मुद्रा है, मैंने बताया था वर मुद्रा अभय मुद्रा है कि वो आशीर्वाद दे रही है, लेकिन तलवार का ये प्रतीक है कि मैं अपनी संतानों के दुखों को दूर करने के लिए तलवार को भी उठा सकती हूँ। वर मुद्रा जरूरी नहीं है, जैसा देश वैसा भेष अपना सकती हूँ, ये है माता का। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि माँ दुर्गा का जो ये कात्यायनी स्वरूप है वो क्या भोग लगाए जिससे वो खुश होगी। तो दोस्तों माता कात्यायनी को पीले और लाल रंग की चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है, लाल और पीला दोनों। माँ कात्यायनी देवी की पूजा में पीले और लाल रंग के गुलाब और गुड़हल भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। हम चाहें तो कात्यायनी माता को गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। कात्यायनी देवी को शहद और मूंग के हलवे का भोग लगाया जाए तो माता अवश्य प्रसन्न होती है। दोस्तों इसके अलावा कात्यायनी देवी का जो मंत्र है वो एक बार और देख लेते हैं। बीज मंत्र है वह ओम हमी नमः, ओम हमी नमः, और दूसरा है ओम देवी कात्यायने नमः। इन दोनों मंत्रों को हम मन ही मन गुनगुना सकते हैं पूजा के दौरान भी। दोस्तों अब बात आती है कि माँ की जो कथा है वो क्या है, माता की जो आपका जो है महत्व क्या है उसको विस्तार से जानने के लिए जान लेते हैं। देवी कात्यायनी माता की जो पूजा है उसके करने से भक्तजनों में शक्ति का संचार होता है और उनकी कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मबल आ जाता है कि वो इस लायक तैयार हो जाते हैं और तत्पर हो जाते हैं माँ के विश्वास से कि वो किसी भी दुखों का सामना कर सकते हैं। इनकी पूजा से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और सुयोग्य वर भी मिलता है। देवी कात्यायनी की पूजा से रोग, शोक, संताप, भय आदि जितने तरह के मानसिक तनाव, दुख, चिंता सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ कात्यायनी के लिए कोई भी अदेय नहीं है। पुनः बोल रहा हूं, यदि आपने नारी शक्ति का सम्मान किया तो कात्यायनी माँ हर पल आपके साथ खड़ी रहेगी, ये दावा है। दोस्तों इसके अलावा देवी कात्यायनी की पूजा करने से हर तरह का भय, संकट सब दूर हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम जब बात करते हैं माता कात्यायनी की कथा की तो जान लेते हैं माता कात्यायनी की कथा क्या है। एक कत्त नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे, क्या नाम से, कत्त। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था, क्या, कात्य ऋषि। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। कौन से का, कात्यायन ऋषि का। दोस्तों महर्षि कात्यायन माँ पराम्बा के भक्त, परम भक्त थे, पराम्बा महान अम्बा माता। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्र के रूप में जन्म ले, क्या, उन्होंने इतनी भक्ति की और उनकी इच्छा एक ही थी कि माँ भगवती उनके यहां, माँ अम्बा उनके यहां पुत्र के रूप में जन्म ले। माँ पराम्बा की उपासना करते उन्होंने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या, कभी पानी पीकर रहना, कभी हवा पीकर रहना, कभी एक टांग पर खड़े रहना, कभी एक अंगूठे पे, पांव के एक अंगूठे पे खड़े रहकर तपस्या करना, धूप, सर्दी, आतप सब सहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। और क्या किया, माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। उनकी जो तपस्या थी उसके आगे मैंने क्या कहा, भक्त के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भक्त नहीं, यह है
का एक ऐसा संबंध है संतान और माता पिता का। दोस्तों इसीलिए माँ कात्यायनी ने स्वीकार कर लिया, बोला चल भक्त मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई, मांग क्या मांगता है। तो उन्होंने कहा माँ बस एक ही इच्छा है कि आप मेरे यहां पुत्री रूप में जन्म लें। दोस्तों अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्र के रूप में माता जी का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। दोस्तों कैसा रहा होगा वो समा, कैसा रहा होगा वो उत्सव जब माता का जन्म हुआ और मां कात्यायनी जो ये सांसारिक सुखों को या सांसारिक जो है युक्ति का सहारा लेते हुए उनके पालने में झूल रही होगी और उनकी मनोकामना पूरी की है माता ने। दोस्तों शुक्ल सप्तमी अष्टमी व नवमी एक तक दिन तीन दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं को ही महिषासुर को वध कर दिया था। बहुत छोटी उम्र में दोस्तों महिषासुर वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में मां दुर्गा की जय जयकार होने लगी, सर्वत्र मां देवी की जय जयकार होने लगी कि हे मां तुमने जन्म लेकर हम सभी के दुखों को नाश कर दिया है। दोस्तों कात्यायन ऋषि के पुत्र के कारण ही माता जी का नाम कात्यायनी नाम विख्यात हुआ। यह है एक कथा और ये वास्तविक कथा है जो आपको सुनने में कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों दूसरी कथा के अनुसार जो दूसरी कथा वो क्या है, जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ता गया, बहुत ज्यादा अति वो हो गया था अत्याचार, अत्याचार की सीमा पार हो गई थी और धरती है वो अत्याचारों से व्याकुल हो गई थी, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायनी सर्वप्रथम मां कात्यायनी की पूजा की, इसी कारण वह कात्यायनी कहलाए। दोनों ही कथाएं प्रचलित है दोस्तों, दोनों ही सही है। मन को मैं विश्वास करके श्रद्धा से मां के जिस कथा को भी हम पढ़ लेते हैं मां उसी से खुश हो जाती है। मां तो कहती है सच्चे मन से आप नारी जाति का सम्मान कर लीजिए, वही मेरी असली पूजा है, श्रद्धा है, भक्ति अभाव है। दोस्तों मां कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यह दूसरा सवाल आ गया कि ब्रज की मंडल की अधिष्ठात्री देवी किसको माना जाता है, कात्यायनी माता को। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी सांसारिकता का सहारा लेकर भगवान श्री कृष्ण ने भी मां कात्यायनी की पूजा का अनुष्ठान किया था। कात्यायनी माता की छवि कैसी है अब पुनः जान लेते हैं। हमने कथा जान ली, अब एक बार स्वरूप पुनः जान लेना जरूरी है। छवि कैसी है माता की, छवि बड़ी मनोहारी है, बड़े ही सुंदर है, बड़ी मनमोहक है, बड़ी सम्मोहक है। दोस्तों इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण, इनका स्वरूप सोने के समान चमचमाता, दमदमाता और उज्ज्वल है। इनकी चार भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे का आशीर्वाद की मुद्रा में, वर की मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और उसके नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प विराजमान है, शोभित है, सुशोभित है। माता कहती है कि मैं वर दे सकती हूं तो मेरी संतानों के दुख को हरने के लिए तलवार भी चला सकती हूं। दोस्तों इनका वाहन सिंह है, शेर है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। कौन से में? आज्ञा चक्र में। दोस्तों योग साधना इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देता है। दोस्तों अब देवी कात्यायनी के जो प्रभाव है, लाभ है पूजा के, उनको हम एक एक करके जानते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन से लाभ हुए। पहला है विवाहित जीवन में सुख। दोस्तों देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडली चक्र के आज्ञा चक्र में होता है। नौ ग्रहों में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण करने में रहती है और उनको नियंत्रित करती है शुक्र ग्रह को। अतः देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है
उनके विवाह की बाधा भी दूर हो जाती है इस देवी माँ कात्यायनी की पूजा से। दोस्तों विवाह बाधा अथवा वैवाहिक समस्या दूर करने के लिए दुर्गा षष्ठी के दिन कात्यायनी माता के विग्रह के सामने इस मंत्र का जप कर लें। यदि आपकी वैवाहिक संबंधी बाधा दूर नहीं हो जाए तो कहना, दोस्तों चंद्र हासोज बल करा सादुल वर वाहन कात्यायनी सुबंध दया देवी दानव घातिनी, इस मंत्र का जप करना है। अर्थात हे देवी कात्यायनी, तुम सभी प्रकार के दुखों को दूर कर सुखों को देने वाली हो, सभी प्रकार के कार्य को सिद्ध करने वाली हो, नारायण स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। दूसरा है, दूसरे और कौन कौन से लाभ या महत्व है देवी कात्यायनी की पूजा की वो जान लेते हैं। अर्थ की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, काम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, अलौकिक तेज की प्राप्ति, प्रभाव की प्राप्ति, रोग शोक संताप भय से मुक्ति, और क्या चाहिए दोस्तों। इसके अलावा जन्म जन्मांतर से पापों से मुक्ति, जिसे कि मोक्ष कहा गया है, मोक्ष की प्राप्ति भी इन माता के आशीर्वाद से ही संभव है। दोस्तों मां नवरात्रि, माता दुर्गा के नवरात्रि के दौरान षष्ठी की पूजा हमने जानी, और हमने ये भी जाना है कि मां का सबसे प्रिय भोग क्या है, शहद और मूंग का हलवा है। यदि हम ये लगाते हैं और यदि उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं तो माता हमारे सौभाग्य को दिन दोनों दोगुना रात चौगुना बढ़ाती है और हमें वरदान देती है कि मैं किसी के भी सौभाग्य से नहीं खेलूंगी। यदि आप सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मैं उसी भक्त के साथ हर वक्त हर पल खड़ी मिलूंगी। दोस्तों इसके अलावा मां को शहद युक्त पान, अब पान का बीड़ा यदि शहद लगा करते हैं तो माता अत्यंत खुश होती है, इसका तो कोई पार नहीं है कि कितना फल मिलता है। दोस्तों इसके अलावा पूजा की सामग्री क्या है संक्षिप्त में जान लेते हैं, जाते जाते हम जान लेते हैं। देवी कात्यायनी की प्रतिमा तस्वीर पूजा की जो सामग्री है वो लाल रंग के फूल, लाल रंग का कपड़ा, कुमकुम, अक्षत, रोली, हल्दी, इत्र, धूप, दीप, शहद और नैवेद्य। दोस्तों पूजा के बाद देवी कात्यायनी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें और ये कहें कि हे माँ, मैं तुम्हारे आशीर्वाद से तुम्हारे सामने संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं उम्र भर तुम्हारे मंत्र का जाप करता या करती रहूंगी और नारी जाति का सम्मान का संकल्प मैं ता जिंदगी लेता हूं। और उसके अलावा आपको करना क्या है, यह कहना है, हे माँ मेरे दुखों और चिंताओं का अब ख्याल तुझे ही रखना है और आपको अपने श्रद्धा से मां कात्यायनी के मंत्र का जाप अपने मन और मस्तिष्क में करते रहना है। दोस्तों इसके अलावा हम मां कात्यायनी की आरती को भी जानेंगे कि मां कात्यायनी की आरती क्या है और उसे कैसे आरती को गाना है और क्या शब्द है उसके। दोस्तों बड़े ही प्रिय शब्द है, जिसने भी लिखी है यह आरती बड़ी ही सुगम सरल स्पष्ट और बड़ी ही मनभावन है। दोस्तों जय जय अंबे जय कात्यायनी, जय जय अंबे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी, बैजनाथ स्थान तुम्हारा, कौन सा बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहां वरदाती नाम पुकारा, इनका एक नाम वरदाती भी है क्योंकि वरदान देती है हर तरह के वरदान, कोई भी चीज कोई भी वरदान कोई भी वर इनके लिए भी अदेय नहीं है, हर कुछ देने को ये तत्पर है। उसके अलावा कई नाम है कई धाम है, क्या कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हे माता आपके कई नाम है कई धाम है, कई जगह आपका डेरा है लेकिन मेरा ये छोटा सा मंदिर है यह भी एक सुख का धाम ही तो है माँ, मैंने अपनी जो है श्रद्धा भक्ति से आपको विराजमान करना चाहता हूँ। माँ हर मंदिर में ज्योति तुम्हारी, हर मंदिर में ज्योति जगी है, कई योगेश्वरी महिमा न्यारी, कई योगेश्वरी के रूप में आपकी महिमा है। दोस्तों हर जगह उत्सव होते रहते, हर जगह आपके उत्सव होते हैं, हर मंदिर में भक्त है कहते, क्या कहते हैं, कात्यायनी रक्षक काया की, कात्यायनी माँ किसकी है रक्षक, काया की, मन और मस्तिष्क की, ग्रंथि काटे मोह माया की, आपको मोह की ग्रंथि से छुड़ाने वाली और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाली देवी कात्यायनी है, झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। हे माँ तुम सबके झूठे जो मोह है उनसे मुक्त करती हो और अपना नाम जपवाती हो। दोस्तों
बृहस्पतिवार को पूजा करियो। किस दिन? बृहस्पतिवार को पूजा करियो। ध्यान कात्यायनी का धरियो। कौन सी माता? कात्यायनी का ध्यान धरना है। हर संकट को दूर करेगी। कौन से? हर तरह के संकट को दूर करेगी। भंडारे भरपूर भरेगी। मैंने क्या कहा? धन, अर्थ, काम, मोक्ष, दुखों को दूर करना, संपदा, संपन्नता, ये सभी माता के लिए देय है। दोस्तों, जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। कात्यायनी माँ कष्ट निवारे। माँ कात्यायनी कि जब इस तरह से हम आरती करते हैं तो माँ स्वतः आरती में विराजमान होती है, ऐसा हमें अनुभव होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना नहीं करेंगे तो हमें माँ का वहां पे आभास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? ये सारी चीजें हमें करनी है। और जब हम ये पूजा पाठ करें उसके बाद हमें करना क्या है? माँ को कच्ची हल्दी की 3 गांठे जरूर अर्पित करें। हल्दी की 3 गांठे क्योंकि पवित्र होती है हल्दी। और कहा जाता है कि हे माँ, ये हम गांठ हल्दी की तुम्हें अर्पित करें, लेकिन हमारी जो ग्रंथि मोह की है उनकी गांठें आप ही खोलें, आप ही हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करें माता। और उसके बाद कात्यायनी मामाए महायोगी ने धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः, और ये कहकर हल्दी के 3 गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रखे हमेशा के लिए। तो माता हर पल आपके साथ रहेगी। दोस्तों, माँ कात्यायनी को शहद या मधु भी अर्पित करना है। यदि मिट्टी या चांदी के बर्तन में अर्पित किया जाए तो अति उत्तम होता है। इसे करने से आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी और आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ेगी। आकर्षण बढ़ेगा, आपका जो तेज है वो बढ़ेगा। दोस्तों, हमें यदि चित्र ना मिले तो दुर्गा जी का चित्र है उसके आगे ही हम 51 माला प्रतिदिन जपें कम से कम। और वो मंत्र है ओम हमी नमः, ओम हमी नमः, ओम हमी नमः। उसके बाद बहुत से मंत्र हैं, देवी ओम देवी कात्यायने नमः, षठ नवरात्रि माता कात्यायने नमः, ये सारे हमें मंत्र जप करने हैं। और दोस्तों, बहुत सी हमने कथा जानी, माँ कात्यायनी की कथा जानी, उनमें सबसे जो प्रमुख है वो है ऋषि कात्यायन की कथा, जिनके यहाँ माँ ने स्वतः जन्म लेना स्वीकार किया, उनको वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर महिषासुर नामक राक्षस का वध करूंगी, और उन्होंने किया। दोस्तों, हमें अब माता कात्यायनी को एक और आरती है उसका भी हम ध्यान कर ले। जय कात्यायनी माँ मैया, जय कात्यायनी माँ उपमा रहित भवानी, दो किसकी उपमा मैया जय कात्यायनी। गिरजापति शिव का तप असुर रंभ कीना, वर फल जन्म रंभ ग्रह महिषासुर लीना, मैया जय कात्यायनी। उसके बाद कर शशांक शेखर तप महिषासुर भारी, शासन कियो सुरन पर बन अत्याचारी, मैया जय कात्यायनी। त्रिनयन ब्रह्म सचिपति पहुंचे अच्युत ग्रह, महिषासुर बध हेतु सुर कीनो आग्रह, मैया जय कात्यायनी। सुन पुकार देवन मुख तेज हुआ मुखरित, जन्म लियो कात्यायनी सुर नर मुनि के हित, मैया जय कात्यायनी। अश्विन कृष्ण चौथ पर प्रकटी भव भामिनी, पूजे ऋषि कात्यायन नाम कात्यायनी, मैया जय कात्यायनी। अश्विन शुक्ल दशी को महिषासुर मारा, नाम पड़ा रणचंडी मरण लोक न्यारा, मैया जय कात्यायनी। दूजा कल्प सहारा रूप भद्रकाली, तीजे कल्प में दुर्गा मारा बलशाली, मैया जय कात्यायनी। दीनों पद पार्षद निज जगत जननी माया, देवी संग महिषासुर रूप बहुत भाया। देखो माता कैसी है, राक्षस को भी मारकर उन्हें अपना निजी पार्षद बना लिया, उसकी विनती सुनकर। देखिए कैसी है माँ, उनको पता है कि महिषासुर मेरी संतान है, बिगड़ गया तो क्या है, उसको सुधारना मेरे को आता है।
उन्होंने उसे सहार करके उसे अपना नित पार्षद का पद दे दिया। ये है मां। दोस्तों इसके अलावा उमा रमा ब्रह्माणी सीता श्री राधा, उमा रमा ब्रह्माणी सीता श्री राधा सुर मुनि मन मोहिनी, तुम सुर मुनि मन मोहिनी हरिये भव बाधा माता जय कात्यायनी माता मैया जय कात्यायनी माता। तो दोस्तों ये आरती है माता की। इससे माता की सभी जो है बखान है, प्रशंसा है माता की। हमने यदि स्तुति सच्चे मन से की तो माता कात्यायनी को आना ही होगा। आपकी जो पूजा स्थल है वहां पे आपको दर्शन देना ही होगा दोस्तों। ये दावा है, यदि आपने सच्चे मन से नारी शक्ति की सम्मान किया, उनसे भद्रता के साथ पेश आए और आपने जो चिंताएं सारी जो दुख है माता को अर्पित कर दिया तो माता आएगी। तो दोस्तों आज हमने जाना माता कात्यायनी की पूजा का विधान क्या है, माता कात्यायनी कैसे खुश होती है, माता कात्यायनी की कथा क्या है, माता कात्यायनी के महत्व क्या है। तो दोस्तों आपको कल क्या करना है मैं बता दूं आपको। कल जब आप पूजा में बैठे उससे पहले परम क्लासेस का ये वीडियो जरूर देख ले, सुन ले और अमल करना आप पर है। दोस्तों कहते हैं ना कि यदि हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम सुन ले, हमारे घर में ऑडियो सुन ले हम इसी वीडियो का जो आज बनाया गया है। तो दोस्तों तो भी आपके श्रवण लाभ से भी आपको माता कात्यायनी के वर से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमने आज जान लिया है माता कात्यायनी की पूजा विधि और उनके वरदान प्राप्त करने का तरीका, महत्व क्या है दोस्तों। लेकिन जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि माता के अभी कई रूप और हैं, उनकी झांकी भी आनी बाकी है। दोस्तों कल हम इसी समय इसी मंच पर हम पुनः एक बार फिर से मिलेंगे, एक बार नहीं रोजाना मिलेंगे, नवरात्रा से पहले नवरात्र के बाद भी मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए हमें मिलना पड़ेगा मंच पर। और आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो भी आप हमें इसके अंदर लिख कर भेज सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल का ये मंच और जानते रहिएगा विभिन्न रूपों को माता के और नवरात्र की पावन कथा। तो दोस्तों चलिए जय मां कात्यायनी की, कल मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए मां कात्यायनी के, मां दुर्गा के इस भक्त की जय मां कात्यायनी।